सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 2 मार्च। गृहस्थी में मनुष्य कैसे बर्ताव करे। सचमुच ही विश्व में मेरा अपना हित अथवा अनहित करने वाला यदि कोई है तो मैं ही स्वयं हूं। मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैं ही सभी बातों का करता हूं। ऐसी भावना मन में हो तो उन बातों का फल भोगने की इच्छा होती है। मनुष्य चाहता है कि उसे दुख ना हो, बीमारी ना आए, फिर भी वो दुख या बीमारी टाल नहीं सकता। मतलब कि मैं ही सभी बातों का करता हूं, ये उसकी भावना सरासर झूठी सिद्ध होती है। घर का मालिक ना होते हुए भी मैं ही घर का मालिक हूं, ये भावना वो रखता है, इसे क्या कहा जाए। अतः गृहस्थ और संतों में यही अंतर है कि संत कर्ता ईश्वर ही को मानते हैं और हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। यदि हम ऐसा कहें कि राम सभी बातों का कर्ता धरता है तो सुख कल्याण अपने आप आएगा। सब भगवान को सौंप दो और आराम से रहो, उसी में सच्चा हित है। यदि डॉक्टर ने कहा हो कि मरीज को मीठा खाने को मत दो और यदि हम उसे मीठा खाने को देते हैं तो हम उसका अनहित ही करते हैं। उसी प्रकार विषय वासना में उलझकर हम अपना ही अनहित करते हैं। मरीज या रोगी को 3 बातें करनी पड़ती है। 1 कुपथ्य टालना, 2 पथ्य के अनुसार खाना और 3 दवा लेना। वैसे ही भव रोगी को 3 बातें करनी पड़ती हैं। 1 दुस्संगति, अनाचार, मिथ्या भाषण, द्वेष, मत्सर आदि अवगुणों का त्याग करना। 2 सत्संगति, सद्ग्रंथ सेवन, सद्विचार, सदाचार का आचरण करना। 3 सबसे महत्वपूर्ण बात, नामस्मरण करना, यही औषधि सेवन है। साधना आयु पर अवलंबित नहीं है। मैं कब मरने वाला हूं ये मैं नहीं जानता, इसलिए आयु के संबंध में मुझे स्वयं को बड़ा ही कहना चाहिए। हमें अपनी जीवा को नामस्मरण की आदत डालनी चाहिए। प्रारंभ में हमें विस्मरण होगा, पर आदत हो जाने पर अपने आप स्मरण होगा, फिर बाद में भगवान के अस्तित्व की समझ आएगी। साधना में कुछ मात्रा में जबरदस्ती करनी चाहिए। नियम छोटा हो लेकिन उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। प्राण की बाजी लगाकर उसका करना जरूरी है। बहुत अधिक मात्रा में नियम बनाए जाते हैं तो मन उनको टालने के लिए प्रयास करता है। नाम स्मरण करना ही भगवान के पास पहुंचना है। जब हम साधना में आगे बढ़ जाते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, कभी हम पीछे तो नहीं जा रहे। नाम स्मरण की लगन घटने के लिए कितनी ही बातें कारण होती हैं। ऐसी स्थिति में प्रयास पूर्वक हमें नामस्मरण करते रहना चाहिए। नामस्मरण में रुचि निर्माण करने के लिए नामस्मरण ही करते रहना चाहिए। भगवान को सबसे अधिक प्रिय यदि कोई बात है तो वो नामस्मरण ही है। नामस्मरण करने से भगवान के प्रति अपनापन निर्माण होगा। विश्वास रखिए, नामस्मरण से ही भगवान आपको प्राप्त होंगे। जब पानी जम जाता है तो बर्फ बन जाती है। ठीक उसी प्रकार नामस्मरण करने से श्रद्धा दृढ़ होती है। श्रद्धा के कारण भगवान तुम्हें मिलेंगे ही। देवता, भक्त और नाम, ये 3 त्रिवेणी संगम ही हैं। जहां देवता हैं वहां भक्त और नाम होते हैं, और जहां भक्त होता है वहां नाम और देवता होते हैं। तुम भगवत प्रेम में लीन हो जाओ, आपस में प्रेम बढ़ाओ। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।